व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको थंबनेल देख के आज की वीडियो का पता ही लग ही गया होगा कि हम आज माइनक्राफ्ट के कुछ वायरल टिकटॉक हैक्स अपने इस फ्लैट वर्ल्ड में यूज़ करने वाले हैं। बट इससे पहले सॉरी गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था क्या बोलते हैं उधर भाई, कहाँ पता नहीं भाई, मैंने वहाँ पे मैं मैसेज कर दिया था कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा। तो चलो अपना पहला टिकटॉक हैक्स अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, गाइस मैंने इसके लिए सारा सामान ले लिया। तो सबसे पहले दो ब्लॉक्स ऐसे लगाना, फिर दो रेडस्टोन टॉर्च और उसके बाद आर्मर, उसके बाद आपको रेडस्टोन डस्ट से कुछ इस तरीके से लगाना है, उसके बाद रेडस्टोन कंपैरेटर को ऐसे लगाना, उसके बाद इस तरफ ऐसे ऐसे लगाना और इसको कनेक्ट कर देना। और आप देख ही सकते हैं कि अपना डांसिंग आर्मर स्टैंड इतनी ईजीली तैयार हो चुका है। और बस ये आपको इसको आर्मर पहना देना है तो काम हो जाएगा। और देखो मैंने इसको आर्मर भी पहना दिया है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि ना आप ये जो है हेलमेट देख रहे हो, मुंडी स्टीव की हेड, ये आपको सर्वाइवल में तो मिलने वाला है नहीं, तो इसकी जगह आप हेलमेट पहना देना इसको। और एक और चीज़ गाइस, ये सारे हैक्स सिर्फ पॉकेट और बेडरॉक में ही काम करने वाले हैं और किसी जगह का मतलब जावा में ये काम नहीं करेगा। तो जावा वाले प्लीज़ इसको ट्राई बिल्कुल ही मत करना। तो चलो अपना सेकेंड टिकटॉक हैक बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस मैंने अपने सेकेंड टिकटॉक हैक का सेटअप कर दिया है और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं मेनली आपको अभी पता चल जाएगा क्या होगा। देखो नीचे आपको अभी दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या लगाना है। तो चलो इसको भी लगाते हैं। सबसे पहले रेड, जहाँ पे रेड है वहाँ पे TNT लगा दो बस। ओके मैं TNT लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4, अरे यार मेरे को भी TNT लगाने नहीं आते। हट, हाँ इधर TNT भरो। और मेनली गाइस इसमें होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ही मैं TNT को फोड़ूंगा ना, तो वैसे ही ना एक हार्ट शेप का बन जाएगा। वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा कि कैसे बनाए हार्ट शेप। मैं इधर रेडस्टोन क्यों लगा रहा हूँ, इधर नहीं लगाना रेडस्टोन डस्ट, सॉरी रेडस्टोन डस्ट इधर नहीं लगाना। ये सारे TNT को इस तरीके से कनेक्ट कर देना, बस वो सेंटर वाले TNT को ना कनेक्ट मत करना, बाकियों को रेडस्टोन डस्ट से ऐसे एकदम मतलब लगा देना चारों तरफ। और देख सकते हो, एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने हर जगह लगाया है कि नहीं, दिख तो रहा है। अब ना यहाँ पे जहाँ येलो है यहाँ पे लीवर लगाना है हमको ऐसे। और सबसे पहले सेंटर वाला हम जलाएंगे और उसके बाद बाकियों वाला। और देखो गाइस हार्ट बन चुका है, बन गया, हाँ बन गया। तो देखो यार कितना मस्त सा हार्ट बना है, आप भी अपने वर्ल्ड में इसको ट्राई कर सकते हो। एकदम मस्त वाला हैक था ये वाला। और चलो तो अपना अगला हैक की तरफ अभी बढ़ते हैं। तो मैं उसके लिए सामान ले लेता हूँ गाइस अभी। तो गाइस मैंने अगला हैक के लिए सामान ले लिया है, हमारा हैक नंबर 3 है ये। सबसे पहले 3 ब्लॉक का गड्ढा कर लेना इधर, और उसके बाद 2 स्टिकी पिस्टन साइड्स में, और इसके ऊपर आप स्टेयर्स लगाना बिल्कुल। ओके अरे लग जा मेरा स्टेयर्स, अरे लगता ही नहीं इसके ऊपर, रुको जरा, इधर से इधर लगाएंगे स्टेयर्स। हाँ लग गया अब स्टेयर्स। और अभी इसके ऊपर गाइस आपको ऑब्जर्वर लगाना है, बट उससे पहले साइड में लीवर लगा देना और इस तरफ मुंह, इस तरफ मतलब ऑब्जर्वर का मुंह इस तरफ के लिए फेस कर रहा होगा। उसके बाद कोई भी 2 ब्लॉक्स लगा देना इधर, और उसके ऊपर दोबारा ऑब्जर्वर देख सकते हो ऐसे, और उसके ऊपर डिस्पेंसर लगा देना क्राउच करके। और डिस्पेंसर के अंदर आप फायर चार्ज या एरोज भर सकते हो। और लास्ट में आपको बस उस लीवर को फ्लिक करना है। ओके मैं फ्लिक करने वाला हूँ वो। ओके देखा उसने काम किया। अभी देखो ये ऑटोमेटिक तो है नहीं, तो ऑटोमेटिक चलो इसको एकदम ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं हम। तो चलो ऑटोमेटिक बनाने के लिए मैंने अपना सामान ले लेता हूँ, मेरे को लगेगा रिपीटर। हाँ बस हो गया, अब इस रेडस्टोन लीवर को तोड़ दो, इन दोनों को भी तोड़ देता हूँ। ओके और मैं इसको सबसे पहले इस तरफ 2 ब्लॉक का गैप छोड़ूंगा, और इस तरफ को मुँह रख के एक रिपीटर ऐसे और एक रिपीटर ऐसे। अब इन दोनों को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा गाइस, और उसके बाद मैं इसको एक ब्लॉक इधर लाऊंगा, फिर कोई भी ब्लॉक लीवर फ्लिक इट, देखा काम कर गया, देखो ये चल रहा है। अब बस इसको तोड़ो
और रेडस्टोन डस्ट को स्टेयर के साथ लगा दो। देखो एकदम ऑटोमेटिक हो चुका है, एकदम मस्त वाला चल रहा है। तो गाइस चलो अपने अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हैक हमारा फाइनल हैक है। तो आपको इन चारों हैक्स में से जो हैक पसंद आया प्लीज़ से गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा हैक सबसे अच्छा था। तो मैं अगले हैक के लिए अपना सारा सामान ले लेता हूँ, और थोड़ा सा सेटअप भी करना पड़ेगा तो वो भी कर लेता हूँ गाइस मैं अभी। तो गाइस अगला हैक है हमारा झूला बनाना। माइनक्राफ्ट में आपका झूला बनाने का मन बहुत किया होगा, तो चलो बनाते हैं झूला। ऐसे चार ब्लॉक की हाइट में, मतलब इसको ऊपर लाना, चार नहीं पांच ब्लॉक की हाइट में, शायद मैंने चार ब्लॉक की लगाए। ओके एक दो तीन चार, नहीं चार नहीं पांच, हाँ पांच। अब वहाँ पे नीचे पांच ब्लॉक का गैप छोड़ना। देखो मैं किस तरीके से गिन रहा हूँ, शायद से पांच ब्लॉक का गैप नहीं छोड़ा है मैंने, हाँ हाँ। देखो गाइस पांच ब्लॉक का गैप छोड़ना कुछ इस तरीके से, साइड में दो, साइड में दो, और बीच में गड्ढा करके देख लेना, और इसको पांच ब्लॉक ऊपर तक लाना इस फेंस को, और फेंस को लास्ट में कनेक्ट कर देना इस तरीके से। अरे लग जा, अरे भाई मेरे को लगाना भी नहीं आता यार, क्या लगा रहा हूँ। हाँ चलो लग गया, फेंस को आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है गाइस। और अब नीचे तीन ब्लॉक का गैप रखना है ऐसे, और इसके बाद दो ब्लॉक का इधर, दो ब्लॉक नहीं, यहाँ पे दो ब्लॉक, हाँ, और उसके आगे एक ब्लॉक बस। ओके तो ये अभी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे रेडस्टोन, क्या बोलते हैं ये, रेडस्टोन ब्लॉक लगा देना, और उसके ऊपर पावर ड्रिल, चलिए एक ब्लॉक आगे लगा के देखते हैं कैसा लगता है। ओके कैसा लग रहा है गाइस, थोड़ा सा खराब दिख रहा है ना ये एक ब्लॉक की वजह से, चलो इसको तोड़ देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरीके से बनाना, इसको तोड़ देते हैं। और अब माइनकार्ड चाहिए हमें, माइनकार्ड चलो सर्च करता हूँ। माइनकार्ड में क्या, ग्रास के बदले में ले लेते हैं माइनकार्ड, हाँ ग्रास के बदले में माइनकार्ड। और माइनकार्ड को इस तरफ ऐसे, मतलब इस तरीके से लगा देना, और इसके ऊपर स्ट्राइडर स्पॉन करके लगा देना, और स्पॉन नहीं सरायों में बना रहे हो तो स्ट्राइडर को ला के लगा देना, और उसके ऊपर सैडल लगा देना। ओके जिससे हम उसके ऊपर बैठ सके। ओके सैडल लगा दिया, और अब हमारा अगला स्टेप है इस जगह को छुपाना। ओके मतलब इस जगह का तो छुपाना पड़ेगा ना, नहीं तो फालतू दिखेगा। तो इसके ऊपर मॉस कारपेट लगाओ ऐसे, और अभी देखो उसके नीचे जो है ना, वहाँ पे आपको सबसे पहले स्ट्रिंग लगानी है, और उसके ऊपर मॉस कारपेट लगाना है। देखा लग गया स्ट्रिंग, अरे लग गया स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग लगाना, अरे मॉस कारपेट लगता क्यों नहीं यार, हाँ मॉस कारपेट इसके ऊपर ऐसे लगा देना, स्ट्रिंग के ऊपर लगाना, और इसके ऊपर स्ट्रिंग लग गया है। अब बस इसको मेरे को कारपेट लगाना है। देखो कारपेट लगा दिया, अब देखो एकदम छुप चुका है कि कहाँ पे क्या था और कहाँ पे क्या नहीं था। और उसके साइड में जो सेंटर है, उसके साइड में ऐसे दो ब्लॉक का गैप करना, कोई भी एनिमल ला देना, मैं तो पिग ला रहा हूँ। यहाँ पे पिग को आप लीश से बांध देना, और उसके बाद फटाफट से जगह को बंद कर देना, नहीं तो ये जो पिग है ना बाहर निकल जाएगा। इसको बंद करके इसको ऊपर बांध देना, ठीक है। और दूसरी साइड में भी एकदम सेम करना है, इधर एक पिग लाओ, लीच लो, बांधो और बंद करो फटाफट से, और इसको उस साइड के लिए बांधो। हाँ बंद गया, अब देखो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बट स्ट्राइडर को अभी छुपाना पड़ेगा, और स्ट्राइडर छुपेगा बस इनविजिबिलिटी के पोशन से। चलो पोशन मार दिया है मैंने, भाई मैं भी अंधा हो गया, मतलब मैं भी अदृश्य हो गया हूँ, तो मेरे को मिल्क बकेट लगेगा जिससे मैं अदृश्य से वापस आ जाऊँ। ओके मिल्क बकेट, जल्दी से जल्दी मिल्क पियो, और अब बैठते हैं स्ट्राइडर के ऊपर। यस और मैं तो अभी फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ, ये देखो मैं कितना मस्त लग रहा है। तो अपना लास्ट पार्ट तो यही था, जल्दी से जल्दी गाइस इस वीडियो का लाइक है मैं 20 लाइक्स जल्दी से जल्दी, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और 20 लाइक्स कंप्लीट करा देना। और आपको इन चारों हैक्स में से कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके गाइस देखो मैं क्या मस्त वाला झूल रहा हूँ, एकदम मस्त वाला यार। ऐसे अगर आप भी झूलना चाहते हो तो अपने वर्ल्ड में, मैंने जो अब हैक्स दिखाए या आप अपने वर्ल्ड में भी ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय।